नमस्कार, स्वागत है आपका फुल फॉर्म में। आज की पहली बड़ी खबर यह है, न्यूक्लियर हाई अलर्ट। अगर आप ध्यान से देखें तो यह तस्वीर सब कुछ बयां कर रही है। न्यूक्लियर हाई अलर्ट, पुतिन वर्सेस नेटो। और दूसरी बड़ी खबर वो ये है जो हम आपको दिखा रहे हैं, ईरान के हमले शुरू। ये क्यों कह रहे हैं हम, इसके पीछे एक बहुत डिटेल्ड एनालिसिस है। और इस बीच रईसी ने धमकी भी दे दी है। लेकिन पहली बड़ी खबर ब्रेक करिए, गाजा में यूनिवर्सिटी बिल्डिंग में धमाकों से दहशत। ब्रेक करिए जरा, इजरायल यूनिवर्सिटी इमारत पर बरसाए बम, ये देखिए जरा इस वक्त की बड़ी खबर। हमास लड़ाकों के होने की आशंका में हमले। आसमान में छाया धुएं का भारी गुबार। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए जरा, ये देखिए जरा, बड़े हमले शुरू हो चुके हैं। ये देखिए जरा, इजरायल ने यूनिवर्सिटी इमारत पर बरसाए बम। हमास लड़ाकों के होने की आशंका में हमले। आसमान में छाया धुएं का भारी गुबार। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे ब्रेक करिए। विध्वंसक एयर स्ट्राइक से दहला दक्षिण गाजा, विद द वीडियो दिखाइए जरा। ये देखिए, गाजा के कई शहरों में हमास बेस पर बमबारी। आईडीएफ एयर स्ट्राइक में कई फिलिस्तीनियों की मौत। राफा में इजरायली हवाई हमलों से खौफ में लोग। ये बड़ी खबर है राहुल, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने, ये देखिए जरा, विध्वंसक एयर स्ट्राइक से दहला दक्षिणी गाजा। ये देखिए जरा, गाजा के कई शहरों में हमास बेस पर बमबारी। आईडीएफ एयर स्ट्राइक में कई फिलिस्तीनियों की मौत। राफा में इजरायली हवाई हमलों से खौफ में लोग। ये देखिए जरा, ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, दोनों वीडियोस, दोनों विजुअल्स आपके सामने। ये देखिए जरा, और ये बता रहा है कि इजरायल ने कैसे अब गाजा में फिर से एक्शन शुरू कर दिया। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, ब्रेक करिए। इजरायल पर गाजा से दागे गए रॉकेट, ब्रेक करिए जरा वीडियो के साथ राहुल। इजरायल में बॉर्डर से सटे शहरों में हमला, ये देखिए जरा, इस्लामिक जिहाद और अल अहरार का हमला। ये देखिए, इजरायल में अब तक 1100 से ज्यादा लोगों की मौत। इजरायल पर गाजा से दागे गए रॉकेट, बड़ी खबर राहुल, उसी वीडियो को फिर से प्ले ऑन करिए। ये देखिए, इजरायल में बॉर्डर से सटे शहरों पर हमला, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए जरा। बड़ी खबर सीधा आई है, इजरायल की लेबनन पर भीषण बमबारी। ये देखिए जरा, साउथ लेबनन में हिजबुल्ला के ठिकानों पर हमले हुए। ये बड़ी खबर राहुल, तीन ब्रेकिंग, तीन शॉट तैयार रखिएगा। हमले में हिजबुल्ला के रॉकेट लॉन्चिंग पोस्ट तबाह कर दिए गए। आईडीएफ का आर्टिलरी से भी लेबनन पर शेलिंग हुई है। ये देखिए, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए, लोकेशन में लेबनन पर इजरायल के हमले। और अब जरा तीन ब्रेकिंग, तीन शॉट राहुल, ये देखिए जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए जरा, और ये तीन खबरें आपके सामने, गाजा में अटैक, इजरायल पर हमला, और फिर ये देखिए दूसरी तीसरी खबर देखिए जरा ध्यान से, लेबनन में अटैक। यानी मिडल ईस्ट में हमास से टाइप होगा नहीं होगा, लेकिन उससे पहले बम बरस रहे हैं। एक और बड़ी खबर, अब युद्ध यूक्रेन की तरफ। ये देखिए जरा, यूक्रेन को डोनेस में बहुत बड़ा नुकसान, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। यूक्रेन की इन्फेंट्री ब्रिगेड पर रूस का हमला, ये देखिए जरा, दिखाइए जरा, ये देखिए बड़ा अटैक किया गया, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए राहुल। ये देखिए जरा, रूसी हमले में तबाह यूक्रेन की इन्फेंट्री ब्रिगेड। ये देखिए जरा, हमले में यूक्रेन के कई आर्मर्ड व्हीकल तबाह हो गए। ये देखिए जरा, इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे ब्रेक करिए। यूक्रेन के खिलाफ तीन रूसी टर्टल टैंकों का कहर, ये देखिए जरा, ये देखिए यूक्रेनी सेना के बेस पर किया विध्वंसक अटैक। यूक्रेनी आर्मर्ड व्हीकल तबाह, कई सैनिकों की मौत हुई है। ये दोनों वीडियोस एक साथ दिखाइए जरा, ये देखिए किस तरीके से अटैक किया गया है ये यूक्रेन के ऊपर। ये देखिए, ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए जरा,
और अब इस सब के बीच में जो विजुअल आपके सामने आने वाला है, राहुल जरा कैम 4 पर इस ब्रेकिंग को लेंगे, फिर विजुअल दिखाएंगे। सीधे आइए, अब जो विजुअल आपके सामने आने वाला है जरा ध्यान से देखिए, शायद आपको इससे कुछ याद आएगा। यूक्रेन की पोर्ट सिटी ओडेसा में बड़ा हमला हुआ है, ब्रेक करिए जरा। फेमस हैरी पॉटर कैसल पर निशाना, क्लस्टर वॉरहेड से तबाह हुआ कैसल का बड़ा हिस्सा, वीडियो के साथ दिखाइए जरा, ये देखिए जरा। यूक्रेन की पोर्ट सिटी ओडेसा पर बड़ा हमला, फेमस हैरी पॉटर कैसल पर निशाना लगाया गया, क्लस्टर वॉरहेड से तबाह हुआ कैसल का बड़ा हिस्सा, ये देखिए जरा। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए, लोकेशन में मेंशन जरूर करिएगा। ये हैरी पॉटर कैसल, अगर आपको याद हो, उसके ऊपर हमला हुआ है। और ये देखिए तस्वीरें, किस तरीके से क्लस्टर बम से अटैक किया गया है, बताया जा रहा है कि शायद इसमें बैलिस्टिक मिसाइल का भी सहारा लिया गया अटैक करते वक्त। और इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट, चीन के तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर का सी ट्रायल शुरू हो गया है, ब्रेक करिए जरा, ये देखिए जरा वीडियो के साथ। समंदर में उतरा चीन का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर फुजियान, अगले साल तक सेना में शामिल होगा फुजियान, ये देखिए जरा। अब जरा राहुल सीधे आइए, हम 8 खबरें दिखाएंगे, उसके बाद पहला 5 विंडो दिखाएंगे, फिर मेहमानों के पास जाएंगे। ये देखिए, ये इस वक्त की बड़ी खबर है गाजा, फिर एक और यहां पर गाजा आपको दिखा रहे हैं। यहां पर क्या हुआ, एक गाजा से अटैक हुआ है, यहां पर लेबनन पर अटैक हुआ है, ये खबरें आपको मैं दिखा रहा हूं इस वक्त आपके सामने। 5-4 बड़े खबरें, 4 बड़े सीन्स आपको दिखाने जा रहा हूं, जरा ध्यान से देखिए। मिडल ईस्ट से यूरोप महाविध्वंस की ओर, ये देखिए जरा जो जानकारी हमारे पास आ रही है, ये देखिए। नंबर 1, 24 घंटे में मारे गए 1,250 सैनिक रशिया के, ईरान की इसराइल को धमकी है, रईसी ने कहा कि हम छोड़ेंगे नहीं, हूती ने 4 शिप्स पर अटैक किया है, बड़ी खबर। और हिजबुल्ला का 50 रॉकेट से नॉनस्टॉप अटैक। सीधे चलिए, हमारे खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं स्क्रीन पर, सबसे पहले मैं आपको दिखाने वाला हूं, मेरे साथ हैं जनरल शंकर प्रसाद सर, स्वागत है आपका, थैंक यू वेरी मच सर। मेरे साथ है एम्बेसडर दीपक वोरा सर, आपका स्वागत है, यू हैड अ वेरी वेरी लॉन्ग डे बट थैंक यू सो मच सर, ग्रेटफुल टू यू, बहुत बहुत स्वागत है आपका। लेकिन पहले हम आगे बढ़े उससे पहले आपको 2 बड़ी खबरें बता रहे हैं, इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, ब्रेकिंग और शॉट्स। यूक्रेन के ओडेसा में रूस का महाविध्वंस, वीडियो के साथ। ओडेसा पर रूस का स्कैंडर मिसाइल से हमला, ये देखिए जरा, बड़ा अटैक किया। ओडेसा पर रूस का क्लस्टर बम से हमला, ये देखिए जरा, रूसी हमले में 5 लोगों की मौत, 20 से ज्यादा जख्मी। एम्बुलेंस अब स्कैंडर मिसाइल से हमले में कई घर तबाह हो गए। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए राहुल, बड़ी खबर। यूक्रेन के ओडेसा में रूस का महाविध्वंस, बड़ी खबर, ये देखिए जरा लोकेशन प्लीज। ओडेसा पर रूस का स्कैंडर मिसाइल से हमला हुआ है, बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। ओडेसा पर रूस का क्लस्टर बम से हमला हुआ है, ये देखिए जरा, बड़ी खबर। रूसी हमले में 5 लोगों की मौत, 20 से ज्यादा जख्मी। ये शॉट देखिए जरा, किस तरीके से अटैक किया गया है, ये क्लस्टर बम से ओडेसा में बड़ा अटैक किया गया है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा आइए राहुल, ब्रेक करिए वीडियो के साथ। यूक्रेन ने ओडेसा पर हमले का लिया बदला, ब्रेक करिए वीडियो के साथ। रूस के एमिनेशन साइट पर यूक्रेन का हमला, ये देखिए जरा, यूक्रेनी हमले में तबाह रूस का गोला बारूद, ये देखिए जरा राहुल, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए, बड़ी खबर। ये देखिए, और अब हमारे जितने भी दर्शक हैं, राहुल एक बार कैम 4 पर आइए, प्लीज बी ऑन अ स्टैंड बाय, प्लीज बी ऑन अ स्टैंड बाय। राहुल जरा एक बार हमारी अगली वॉल दिखाइए, मैं वापस इस वॉल पर आऊंगा। आज मैं आपके सामने एक बहुत बहुत खतरनाक खबर दिखाने वाला हूं, ये देखिए जरा, इधर आइए अभिषेक, इसको जरा जूम इन करिए। ये अमेरिकन यूनिवर्सिटीज का हाल है, अमेरिका की 31 यूनिवर्सिटीज में यह जंग का माहौल है, फिलिस्तीन की जंग जैसे सीन्स यहां पर दिखाई दे रहे, क्या हो रहा है ये देखिए। यूएस यूनिवर्सिटीज में फिलिस्तीनी जंग, 31 यूनिवर्सिटीज हैं। सीधे आइए, मैं जरा आपको कुछ तस्वीरें दिखाने वाला हूं, मैं इस खबर पर जरूर आऊंगा, दिखाइए राहुल जरा।
अमेरिकी यूनिवर्सिटी में फिलिस्तीनी विद्रोह दिखाइए, एक एक वीडियो में आपको दिखाने वाला हूं। ये देखिए वर्जीनिया की यूनिवर्सिटी में किस तरीके से नारेबाजी हो रही है, टेक्सास में पुलिस खदेड़ रही है, और उधर देखिए कोलंबिया में कई जगह बंद कर दिए। कोलंबिया आईवी लीग है, भारत के बच्चों का ड्रीम होता है इन तीन यूनिवर्सिटीज में जाने का। वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी का हाल देखिए, किस तरीके से ब्रूटैलिटी से बच्चों को पकड़ा जा रहा है। न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी, आपको लग रहा है ये अमेरिका है, ये क्या हाल हो रहा है। पहले बहुत शॉर्ट और शार्प रिएक्शन में दीपक सर से ले रहा हूं, क्योंकि इसकी डिटेल में आपको अब से करीब आधे घंटे के अंदर दिखाऊंगा। दीपक सर, अमेरिकन यूनिवर्सिटीज, ये आईवी लीग यूनिवर्सिटीज है दीपक सर, कहीं पे आपने शायद लेक्चर भी दिया है। मैं ये जानना चाहता हूं, क्या ये बहुत बड़ा अनरेस्ट है अमेरिका में? हमारे हुसा, थैंक यू वेरी मच कि आपने फोकस किया है इस इशू पर, और आपसे भी बहुत सीखूंगा, जनरल साहब से सीखूंगा। ये बिल्कुल सही है कि ये वाइल्ड फायर की तरह स्प्रेड हो रहा है, और ये टॉप लेवल अमेरिकन यूनिवर्सिटीज हैं। आपने कोलंबिया का नाम लिया, प्रिंसटन में हुआ है, हार्वर्ड में हो रहा है, इन यूनिवर्सिटीज में मैं गया हूँ, मेरे परिवार के सदस्य वहाँ पढ़े हैं। अब हमारे जो बच्चे हैं वहाँ पर, दे आर नॉट फीलिंग सेफ। क्यों हो रहा है? क्योंकि सर, जो हमें जानकारी मिली है, शायद 20% जो लोग इन प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो स्टूडेंट्स हैं, 80% प्रोफेशनल एजिटेटर्स हैं, प्रोटेस्टर्स हैं, बाहर से लाए गए हैं, और जॉर्ज सोरोस साहब और जो रॉकफेलर फाउंडेशन है उनको फंड कर रहे हैं, क्योंकि उनकी बनती नहीं है इजराइल के साथ। Understood. और फिर आपने अमेरिकन पुलिस, प्रोपेंसिटी टू वायलेंस उनके डीएनए में है। एक वो लेडी थी प्रोफेसर, चिल्ला रही है मैं प्रोफेसर हूं, पुलिस वाला कहता है शट अप, और उसके ऊपर आप उसको हथकड़ी पहना दी। दिस वायलेंस जो अमेरिका में गन वायलेंस, ये वो देखते हैं, ये उनके डीएनए में आ चुका है सर।